रेडी लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म बहुत मतलब प्यार तो मिल रहा है। वी लुक एट यू ना। हां अरे मैंने किया रिव्यू। नहीं 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 नहीं, वी लुक एट यू नाउ एंड व्हाट्स योर नेम अगेन बडी? उमेश। उमेश या ओह या या उमेश, समवन वाज सेइंग यू सॉ द फिल्म। किसने बोला मुझे? नहीं नहीं, वो कोई मूवी वाला था। ओह वो कोई मूवी वाला था। ओके ओके रेडी। रेडी सबके दिलों में छा गए। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपना? पहले तो ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहता हूँ और आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि हुएवर्स रिव्यूड इट लाइक द ऑडियंस हैज लव्ड इट। और अभिषेक और मैं दोनों बहुत ही रिलीव्ड है और खुश है कि ये फिल्म चली। और नॉट ओनली क्रिटिकली, अक्सर ऐसे होता है कि क्रिटिकली फिल्म चले कमर्शियली नहीं चले, बट आई थिंक इस फिल्म में एवरीथिंग हैज कम टुगेदर क्रिटिकली कमर्शियली। इनका जो डायरेक्शन है, मेरा जो परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट जो कास्ट का जो परफॉर्मेंस है, सब कुछ मतलब हैज जस्ट कम टुगेदर और बहुत खुशी की बात है। सेम मतलब जो उन्होंने बोल दिया, एग्जैक्ट सेम फीलिंग। मुझे खुशी है कि लोग सराह रहे हैं काम को हमारे, बस और क्या चाहिए। जॉन कोई भी फिल्म सक्सेस होती है तो उसका एक बेस होता है, सो कि तो आप इस फिल्म का सबसे बड़ा बेस किसे मानते हो, किससे इस ये फिल्म डेडिकेट करना चाहेंगे? जी डेडिकेट तो आई वुड डेडिकेट इट टू द अनसंग हीरोज ऑफ द कंट्री वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि आई थिंक दोनों अभिषेक और मैं वी आर बोथ मतलब कैसे बोले हम लोग पेट्रियाटिक लवर्स ऑफ दिस कंट्री, वी लव इंडिया। और लेकिन हम लोग दोनों वी डोंट वेयर इट ऑन आवर स्लीव्स, हम लोग दिखाने के लिए ये नहीं करते कि हमें इंडिया इंडिया से प्यार ही हो, बट वी लव इंडिया। और ये फिल्म में निकल के आता है बाई द एंड ऑफ इट व्हेन हम लोग सल्यूट करते हैं या भारत माता की जय होता है, वी रियली लव दिस कंट्री। लेकिन डेडिकेशन तो सिर्फ हम लोग हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी, इन सबको करना चाहते हैं। मैं राइट? हाँ, जो हमने फिल्म में भी किया है एक्चुअली, अगर फिल्म शुरू होती है तो वी हैव डेडिकेटेड एपीजे कलाम साहब, या द आर्मी, द साइंटिस्ट, इवन द ब्यूरोक्रेट्स आई वुड से, एंड द पॉलिटिशियंस। बिकॉज़ ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को इस देश में सिर्फ गालियाँ देते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये टेस्ट जो है उसमें अटल जी का बहुत बड़ा हाथ था, और इवन ब्रजेश मिश्रा जी जो उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बहुत बड़ा हाथ था। सो एंड इवन लाइक ही सेड, एपीजे अब्दुल कलाम जो उस समय साइंटिस्ट थे, बाद में वो प्रेसिडेंट बने, तो इन सब के लिए आई मीन ये उन सबको समर्पित है। सो जो अगर एज अ प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए आपने एक्ट किया है, सो सबसे बड़ा रिस्क क्या था और आज आप रिजल्ट देखते तो कितने रिस्क? दूसरों के माइंड में सिर्फ इतना ही है जो मैं मानता हूँ कि मैं फॉर्मूला फिल्म्स नहीं करता हूँ। यस। एंड आई थिंक मेरे माइंड में बहुत ही क्लियर था, इसी जगह पे अभिषेक ने मुझे इस फिल्म का एक आइडिया दिया था, आई फेल इन लव विद द आइडिया। मैं तो मतलब मैं सोच के मैं लाइक वाओ व्हाट एन आइडिया। तो मुझे कॉन्फिडेंस था स्क्रिप्ट में, स्टोरी में, अभिषेक में, एंड आई थॉट कि ये फिल्म बननी चाहिए बस। तो मेरे माइंड में कोई रिस्क नहीं था। रिस्क? या रिस्क तो एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं रिस्क के बारे में। लाइक मुझे लोग मेरी पहली फिल्म के बारे में पूछते हैं कि अलग तरह कॉमेडी थी रिस्क, बट मेरे को लगता है जो कहानी अंदर से आती है, और शायद इसलिए कि ये कहानी अंदर से आई, तो जॉन को ज़्यादा दाद दूंगा कि उनको पता था कि क्या रिस्क हो सकता है। मैं क्योंकि इतना कहानी के पास था, वो कहानी मेरे अंदर से आ रही थी, तो मुझे तो लगा कि बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन उनका भरोसा कि हाँ इस पर एक कमर्शियल फिल्म बनाई जा सकती है, वो उसको एनालाइज करना वो उनकी खूबी है। मैं तो बहुत क्लोज था कहानी के, मतलब अगर मैं पैशनेट हूँ किसी फिल्म को लेके या अपनी खुद की कहानी को लेके, तो मुझे तो रिस्क लगेगा ही नहीं ना। सो जॉन, देखा गया है अक्सर अपने इंडिया में काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जिन पर कुछ कुछ बनाने या कुछ बहुत जो इंडिया के लिए प्राउड लोकेट करते हैं, जैसे आपने परमाणु बनाया, तो इसके बाद क्या मुद्दे आप देखेंगे जिस पर आप काम करना चाहते हैं उसके बाद? जी एक्चुअली मैं स्टोरी आइडियाज़ पे वर्क करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद आए, कॉमेडी भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे सिर्फ देशभक्ति के ऊपर कुछ करना है। लेकिन आई थिंक अभिषेक और मेरे पास एक आइडिया है जो शायद आपको, अगर परमाणु अच्छी लगी आप सोचोगे अरे अभी ये कहाँ से आ गई ये आइडिया, सो आई थिंक इट शुड ब्रिंग दैट काइंड ऑफ रिएक्शन टू यू। तो हमारी कोशिश यही है और मेरी कोशिश भी यही है कि गेट न्यू आइडियाज आउट। बहुत है यार मेरे तो आइडियाज़, मतलब मैं तो क्योंकि फिल्म में एक डायरेक्टर हूँ, राइटर भी हूँ,
तो मुझे तो रोज़ आइडियाज आते हैं। और जैसा जॉन ने बोला, हम दोनों को अपने देश के प्रति एक प्रेम है, तो हम तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सोचते रहते हैं। तो ऐसे बहुत आइडियाज हैं, इंडिया ने बहुत अचीव किया है और इतने कम टाइम में। वी आर स्टिल अ यंग कंट्री, हमने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन वो कहानियाँ शायद हमारा सिनेमा ही थोड़ा छोटा पड़ गया है कि हमने ये सारी कहानियाँ हम लेके नहीं आए लोगों तक। लेकिन आई एम श्योर कि अभी जो नई पीढ़ी फिल्म मेकर्स की हमारी वो कोशिश कर रही है, यू नो, और अब तो टेक्नोलॉजी भी उस लेवल पर पहुँच गई जहाँ हम ये ऐसी फिल्म बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले या मे बी इवन 10 साल पहले बहुत मुश्किल हो सकता था, बिकॉज इसमें जिस तरह के इफेक्ट्स हैं वो उस लेवल पर नहीं थे। तो मैं बोल रहा हूँ अब हम उस मुकाम पर हैं जहाँ हमें सोचनी चाहिए अलग अलग चीज़ें जो देश ने किया है। मतलब क्योंकि जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं ना तो लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि मुझे खुद, मैं आपको बताता हूँ खुद के एक्सपीरियंस से, स्वदेश देखी थी मैंने एक ग्वालियर साहब की, और मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन, मैं 4 बार देखी थिएटर, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और वो उस टाइम की बात है जब मैंने स्ट्रगल शुरू की थी बॉम्बे में। और होता है ना, जैसे हर इंडस्ट्री में है, आप कई बार सोचते हो कि यार मैं बाहर जाके भी फिल्में बना सकता हूँ, लेकिन स्वदेश देखने को मुझे लगा था यार नहीं, मतलब हर कोई हॉलीवुड के पीछे भाग रहा है, हम इंडियन फिल्म जैसी बनाएं जो कि दुनिया भर में फैले। बाहुबली ने वो करके भी दिखाया है, यू नो। तो आई थिंक वो फिल्में जो हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स को नॉट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि आओ देश को थोड़ा इंस्पायर करते हैं। सो जॉन, आपको यूनिफॉर्म में देखा गया, बड़ा ही लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक्टर के जहन में यह आ जाता है कि मुझे इस कैरेक्टर में लोग पसंद कर रहे हैं तो बस वही उसी टाइप की फिल्में करूँगा, ऐसा कुछ आपके जहन में? नहीं, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ और मेरा कोई ये फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है कि मुझे सिर्फ अभी यूनिफॉर्म में रहना है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कारगिल के एक वॉर हीरो जो दिल्ली में मुझे मिले, ही डज नॉट हैव अ लेग, की वॉर के टाइम पे ही वॉज हिट बाई बॉम्ब, द लैंड माइन का जो होता है ना वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं एक हीरो को देख सकता हूँ यूनिफॉर्म में, वो तुम ही हो, एंड यू लुक लाइक अ ट्रू सोल्जर ऑफ द कंट्री। तो वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, उसके बाद कोई कुछ भी बोले बिकॉज ही सेड इट। लेकिन हर एक किस्म की फिल्म करना चाहता हूँ ना, आई लाइक टू डू कॉमेडीज, एक्शन, एवरीथिंग। तो जॉन, ये भी दिखा गया है जो आप जिस तरह यूनिफॉर्म में आपको जितना पसंद किया जा रहा है, इस तरह अक्षय को भी पसंद किया जाता है, अक्षय भी बहुत अच्छी बखूबी निभाते हैं कैरेक्टर को। सो क्या कुछ देर माना जाए कि आप कम्पीट कर रहे हैं या नहीं? अक्षय इज अ फार बिगर स्टार, वो मेरे बहुत सीनियर है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, प्यार भी करता हूँ उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लाइक वी रियली गेट अलॉन्ग। तो वो ही इज डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स, मैं अलग किस्म की फिल्म कर रहा हूँ बस। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आप ये एक डायरेक्टर जिस जो हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाए, उसके लिए कितना मुश्किल होता है उस पर काम करना और फिर सक्सेस होना, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने इवन बचपन से मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद रही, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो उससे बेहतर या उससे ज़्यादा रोमांचक कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि आपको पता चलता है कि आज जहाँ देश खड़ा है या आप खड़े हो, उसका रीज़न क्या है। और हिस्ट्री जो है वो एक ट्रू स्टोरी है एक्चुअली हमारी कंट्री की। सो हिस्ट्री में इतनी सारी घटनाएं छुपी हुई हैं, उनमें से लेना, रिसर्च करना, ये तो मतलब मेरा शौक है एक तरह से। और मैं रोज़ अपने दिन की शुरुआत अखबार से करता हूँ, न्यूज़ रिपोर्ट से, जो ट्रू स्टोरीज़ हैं, तो वहीं पे कहीं ना कहीं कहानियाँ ढूंढता हूँ और वो आज का अखबार कल की हिस्ट्री बन जाता है। तो मेरे को लगता है कि हिस्ट्री और कुछ नहीं है बट बेसिकली आप यू नो जो घटनाएं हो रही हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आज जहाँ हम खड़े हैं वो किन रीज़न से खड़े हैं। इट्स द बेस्ट नैरेटिव दैट वन कैन गेट। तो मुझे लगता है कि उसमें चैलेंज ये होता है कि आपको ट्रूथ ढूंढना होता है, फिर उसके बाद आपको उसको थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए लोगों को। लेकिन इस सब के बावजूद अगर वो ठीक से सारा बैलेंस बैठ जाए और आप ऐसी कहानी लोगों के सामने ला पाएँ और लोग कनेक्ट कर पाएँ, तो इसका सुख ही अलग है। मतलब क्योंकि इसमें मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि 3 लेवल्स पे लोग इस फिल्म को, परमाणु को कंज्यूम कर रहे हैं, इस कॉन्टेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। पहला लेवल तो ऑफकोर्स वही है जो ज़्यादातर फिल्मों से होता है, एंटरटेनमेंट, लोग एंटरटेन हो रहे हैं। दूसरा है कि इन्फॉर्मेशन कि हाँ, बिकॉज ये हिस्टोरिकल फिल्म है तो वो उनको, कई लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में और कैसे हुआ है वो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका बाय प्रोडक्ट है, पेट्रियाटिज़म, जो गर्व की फीलिंग आ रही है और जो गूज़बम्प्स फील कर रहे हैं,
तो ये तीन लेवल पे कंज्यूम हो रही है फिल्म, ये एक रेयर चीज़ है और ये तभी हो पाता है जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं, तो इट्स वर्थ द एफर्ट। जॉन, आपकी आपकी फिल्में हर एज ग्रुप के लोग पसंद करते हैं, आप सीरियल्स में भी हमेशा बखूबी नज़र आते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में अक्सर कुछ ऐसे हालात आते हैं जिसपे बड़ी तकलीफें होती हैं हमारी सीनियर को, उस पर आपका क्या कहना है? सीनियर को तकलीफ होती है, आई फील, मैं हमेशा कहता हूँ कि दे आर द रियल लाइफ हीरोज, हम लोग रियल लाइफ हीरोज हैं, तो बुडवाई से उन लोगों के लिए जान हाजिर, और मैं मानता हूँ कि उनको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। बॉर्डर्स पे जिस तरीके से उन लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम लोग यहाँ एसी में बैठे, गर्मी का हम लोग कंप्लेन करते हैं कि गर्मी लग रही है, छोटे छोटे कंप्लेन, सियाचिन में उन लोग -50 में हैं, जैसलमेर में +50 में है। आई थिंक हमें कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। पहले तो द रियल हीरोज आर द आर्मी पीपल, द एयरफोर्स पीपल, द नेवी पीपल, और मैं मानता हूँ कि अगर जो भी हम कर सके एज अ कंट्री फॉर देम, वी मस्ट डू फॉर देम, क्योंकि दे आर द रियल हीरोज ऑफ द कंट्री। मैं तो ऑन द कंट्री ये भी मानता हूँ, एक स्टेप में आगे जाके कह सकता हूँ कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता या प्रेसिडेंट होता, मैं कंपलसरी कर लेता 2 years ऑफ कंपलसरी सर्विस इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बाय एवरी यंगस्टर, जो लॉजिस्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। आइडियल सिचुएशन हाइपोथेटिकली मैं ये करता डेफिनेटली, बिकॉज एवरी यंगस्टर को ये पता होना चाहिए या ये सोल्जर का वैल्यू उनके माइंड में होना चाहिए, जो वैल्यू नहीं है, एंड आई थिंक दैट इज द सैडेस्ट थिंग। और मेरे हिसाब से आई होप परमाणु ने लोगों को ये दिखाया है कि सोल्जर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जो कंट्री के लिए काम करते हैं, इतने इम्पॉर्टेंट ब्यूरोक्रैट्स, सम ऑफ द ब्यूरोक्रैट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री, और उनको मतलब सल्यूट करना चाहिए। अभिषेक, लास्टली प्यार तो मिल गया है फिल्म को, लोगों के दिल में आ गई है, क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला ऑडियंस का? तो कॉम्प्लीमेंट आपको मिला ही है, आपने जो देखा खास तौर पर इसका कॉम्प्लीमेंट मिला या गवर्नमेंट से कोई कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे नहीं? आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैं अभिषेक को बोलता हूँ कि कर्नल शर्मा जो कि इसमें हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट थे और वो परमाणु जो हुआ एक्चुअल पोखरण में जो टेस्ट हुआ उसके वो बहुत बड़ा हिस्सा थे, उन्होंने फिल्म देख के पसंद किया और उन्होंने बोला कि मुझे गर्व है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बिकॉज इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अगर एक आदमी जो उस समय वहाँ थे और उनको लगता है कि हमने एक क्रेडिबल फिल्म बनाई है, येट एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है, तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं। आई थिंक पर्सनली बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट मिला है कि एज अ प्रोड्यूसर You're backing the right kind of subjects. तो ये दो compliments मुझे मिले। परमाणु के बारे में specifically यही कहा है लोगों ने कि what a film, every Indian must, if you are Indian, you must watch this film. क्योंकि जो सच में दिल से एक हिंदुस्तानी है ना, उसको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और मैंने देखा है कि एक रिव्यूअर, सिर्फ एक ही रिव्यूअर जो दुबई में रहता है, उसने नेगेटिव दिया कि वो इंडियन है नहीं। You know what I'm saying? तो फिर सब्जेक्ट मैटर कुछ और हो जाता है। सब्जेक्ट मैटर कुछ और हो जाता है, क्योंकि वो इंडियंस की तरह नहीं सोचते। लास्टली और फिल्म तो पर्दे पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्टली अपने फैंस? जी डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, प्लीज गो एंड सी द फिल्म, इट्स वेरी वेरी स्पेशल, मेड बाय दिस स्पेशल मैन। तो प्लीज देखिए फिल्म को। परमाणु हमारी ख्वाहिश यही कि जून जुलाई अगस्त 15 तक चले। And we celebrate, I don't know how many days of Parmanu till August 15th, maybe 100 days or whatever. But we want this film to run, not for money, paise ke liye nahin, lekin sirf ek, matlab pride of the nation, kyunki kafi logon ne kaha hai ki Parmanu story of Pokhran is today the pride of the nation. To hum chahte hai ki log ye dekhe, isko India ko celebrate kare. Main bas ye chahta hun ki jo film hai, उसको ऑफकोर्स लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि उसको देखने के बाद जो उसका इंटेंट था, एक्चुअल इंटेंट था फिल्म बनाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हर फिल्म पैसा कमा सकती है, वो अच्छी फिल्म बनती है, एंटरटेन करती है, पर जो इंटेंट था वो ये था कि लोग देख के इंस्पायर हों। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप देखने के बाद फिल्म को भूलें ना, जो आप लेके जा रहे हैं अपने साथ जब थिएटर से बाहर निकलते हैं, उस फीलिंग को ना भूलें और आप देखें कि आप कैसे देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज हम ऐसे मुकाम पर सच में खड़े हैं
जहाँ इंडिया कैन गो एनीवेयर, सो उसमें हर एक भारतीय का जो दायित्व है उसको निभाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू करें. सो आई होप कि अगर फिल्म से वो मैसेज आ रहा है लोगों तक और अगर लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि कोई बॉक्स ऑफिस का फिगर यू नो उस चीज़ को उस चीज़ के आसपास भी नहीं जा सकता. Thank you so much. Did you enjoy the film? Goosebumps.